आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर का। गैलरी में आ गई हूँ तो बस थोड़ी देर में 5-7 मिनट में वो आने ही वाली है। अभी गली में शादी आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हयात भी रेडी हो गई है। हाँ, माहिन तुम्हारी अम्मी जब पैदा हुई थी ना तो सभा की दादी कह रही थी मेरी यहाँ सलमा आगा आई है, ये है सलमा आगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में पूरे 2:30 और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। पहले तो मैं आपके साथ सारे क्लिप्स शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही थी और आज मेरे घर पे कौन आने वाला है। सडन सी दावत एक अरेंज करी है, मेरी सिस्टर आने वाली है। कौन सी सिस्टर है वो तो सब मैं आगे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी खूब इंजॉय करिए। सच में आज तो बहुत ज़्यादा, इतनी जल्दी काम तो मैंने पूरे एग्ज़ाम में नहीं किया होगा जितनी जल्दी आज किया है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आ रही है तो मुझे बहुत कुछ अरेंज करना था। सारे क्लिप्स पहले आप सुबह के देखिए, फिर जब वो आ जाएगी तो मैं आपके साथ बाकी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी चली गई थी, हमारा काम भी बीच में रुक गया था, तो डर लग रहा था कि पता चला लाइट नहीं आया तो मेरे जो खाना बनाने के मिक्सर के सारे काम हैं जो मैं ग्राइंड करती वो सारे ना रुक जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम टाइम पर हो गया है। और अभी गली में शादी भी आ रही है, लग रहा है ढोल बज रहा है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी गली में शादी आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हयात भी रेडी हो गई है। हाँ, अचानक से घर पे गेस्ट आने लगे हैं और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैं फटाफट से खाना बनाने में लग गई। यहाँ पे बन रही है बिरयानी और ये बन रही है हमारी अखनी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर टमाटर और प्याज वगैरह भी भून रहे हैं, तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको क्लिप्स अपने शेयर करती जाऊँगी। तो मैं इसे रेडी कर रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है और जल्दी से मुझे खाना रेडी भी करना है। तो व्यूज़ अभी बन रही हैं दही फुल्कियाँ और मैंने फुल्कियों को भी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत स्पीड में काम हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड जो है दावत है, मेरी सिस्टर आ रही है। कौन सी सिस्टर आ रही है वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी एक एक करके सारे डिशेस रेडी कर रही हूँ। तो बस अभी मैं बना रही हूँ कोरमे वाली बिरयानी और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं, बस लास्ट काम बचा है इसमें चावल डालने का। तो मैं उन लोगों के आने से आधा घंटा पहले इसे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मीठे में मैं बना रही हूँ शीर वाली सिवैयाँ और बहुत टेस्टी होती हैं, इस वजह से मैंने कहा आज मैं शीर वाली सेवियाँ बना लेती हूँ। खीर मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि खीर में लगता टाइम और टाइम है मेरे पास कम, तो मैं जल्दी से सेवैयाँ रेडी कर रही हूँ। और लाइट भी चली गई है। और लाइट भी चली गई है, पता नहीं क्या होता है, जैसे मेहमानों का पता चल गया है लाइट वालों को और लाइट भी चली गई है। तो व्यूअर्स हमारी सेवैयाँ हो गई हैं रेडी और बस मैं अभी इसे बाउल में लौट कर इसको लास्ट गार्निशिंग करके रख दूंगी, पहले ये ठंडी हो जाए। यहाँ पर बिरयानी भी हो गई है रेडी और मैं इसे भी दम पर लगा रही हूँ और फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम हो गया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर माहीन और हयात भी अभी रेडी होने जा रही हैं। हयात तो रेडी हो गई हैं, बस माहीन ने अभी शावर लिया है तो वो कोम वगैरह करेंगी और आगे के क्लिप्स हमेशा की तरह बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलिए व्यूअर्स चलते हैं अम्मी के पास क्योंकि अम्मी को भी मैंने कॉल करके बुलाया था, अम्मी भी अचानक से आई हैं और अम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी तो अम्मी आ गई तो मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली है। और अभी आप देख सकते हैं कि टॉवल वहाँ पे रख दी है माहीन ने। माहीन टॉवल हटाओ। अस्सलाम वालेकुम भी। तो अम्मी आ गई थी तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई और अम्मी कल भी आई थी और आज भी वो अचानक मेरी वजह से आई हैं। अम्मी नहीं होती तो शायद मेरा काम इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता क्योंकि अम्मी ने सारा बैठकर मेरा जितना भी काम था सब कर कर दिया और मैं फटाफट से खाना तैयार कर रही थी ना अम्मी। हाँ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर हो गया हमारा सारा काम, है ना। तो भैया अभी बज रहे हैं 2:30 और मेरी सिस्टर अभी तक आई नहीं है, बस हम वेट कर रहे हैं
कि वो जल्दी से आ जाए और भूख भी सबको बहुत लग रही है ना अम्मी। तुम्हारी अम्मी जब पैदा हुई थी ना तो सभा की दादी कह रही थी मेरी यहाँ सलमा आगा आई है, ये है सलमा आगा। आप कह रही थी कि इनकी आंखें बहुत ग्रीन है और सभा की तना आंखें हैं इनकी सलमा आगा की। नानी तो भी यहाँ पर मैंने सैलेड भी रेडी कर दी है, बर्तन भी निकाल कर रख दिए हैं और यहाँ पर मैंने कबाब के लिए चटनी भी निकाल दी है और सारी चीज़ें हमारी अरेंज हो गई हैं। बस मेरी सिस्टर आने ही वाली है, कॉल आ गई थी उनकी कि बस हम निकल गए हैं। और यहाँ पर हयात क्या कर रही है, हयात और लाइबा भी आई हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो बस अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, कॉल कर ली अम्मी मैंने। तो बस अभी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर कर रख दी हैं और बिरयानी भी हमारी रेडी हो गई है, वो तो जब मैं खोलूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और ये रहा हमारा पनीर जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और अभी मैं गरम करूँगी इसे जब मैं खाना सर्व करने जाऊँगी। और आप माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर का, गैलरी में आ गई हूँ तो बस थोड़ी देर में 5-7 मिनट में वो आने ही वाली है। हेलो मैं पप्पू के साथ अभी वो आ रही हैं, पार्किंग करवा रही हैं जरा। क्योंकि हमारे घर की लाइट चली गई थी ना तो बहुत टाइम लग गया था। हाँ आज लाइट यहाँ पे भी बहुत गई थी तभी तो मैंने कहा था थोड़ा लेट आ जा। सलामुअलैकुम। चलो सबके साथ मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी खाना लगाओ, जाओ ये वो ही लेकर चलो और रोटी लेकर जाओ। बच्चों ने मेरी हेल्प कर दी है, मैं बिरयानी भी लेकर जा रही हूँ। चले अंदर। बस खाना वगैरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा रहा, सबको बहुत पसंद आया। अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगी और पहले तो देखिए लड़कियाँ क्या कर रही हैं। जाए ना क्या हो रहा है, सबको बड़ा मज़ा आ रहा है ना, इसलिए एंटरटेन हो रहे हो सब लोग। तो बस यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लिए जा रहे हैं जो हमेशा साथ में मिलके ये तीनों पढ़ती हैं। यहाँ पर मैं अभी कोल्ड ड्रिंक भी निकाल रही हूँ। तो व्यूज़ यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी निकाल ली और साथ में थोड़ी सी गिरे ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी मेरी सिस्टर अंदर बैठी हुई है तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं। अभी तक फोटो सेशन ही चल रहा, पी लो कोल्ड ड्रिंक अब तुम लोग भी। खाना खा लिया था सही से जाना जी। खदीजा क्या हुआ बेटा, आपने खा लिया? यहाँ पर मेरी सिस्टर आ गई है, कजन सिस्टर, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है ना, आफ्टर मैरिज। और आज इन्हें जबरदस्ती बुलाया गया है वरना इनके पास टाइम नहीं था, तो इन्होंने सडन प्लान किया है कि सबा बहन हम आपके घर आ रहे हैं। तो बस फटाफट से सारे काम शुरू हुए, मैंने काफ़ी कुछ शेयर भी करा है, वीडियो देखना पता चलेगा कितनी जल्दी सारे काम हुए। और वहाँ पर हमारे बैठे हैं ब्रदर इन लॉ। तो व्यूअर्स मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर ये मैंने नाश्ता वगैरह लगा दिया है। अब मैं निकाल रही हूँ मिठाई। सिस्टर फर्स्ट टाइम आई हैं तो उनका मुंह तो मीठा करा रही है। तो व्यूअर्स चाय बन के रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ जल्दी से अंदर। लड़की होगी लेकर चलो आराम से, सेब लेकर आओ। सर बताइए, मैं तो दे देती हूँ और खुद ही ले लेते हैं। एक ले लो, हाँ एक ले लो। अच्छा
तो यहाँ पर जाने की फाइनली तैयारी हो चुकी है, अब सब जा रहे हैं घर पर। हम तो यही हैं, ये लोग घूमने जा रहे हैं। व्यूअर्स, अभी सिस्टर जा चुकी हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी घर वगैरह समेटूंगी और वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके। तो अभी मैं आपसे फ्रेश होने के बाद फिर मिलूंगी, पहले मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ वो क्या लेकर आई है मेरे लिए। तो व्यूअर्स, ये सूट है जो वो मेरे लिए लेकर आई हैं, तो चलिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये रहा वो सूट और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है और मुझे ऐसे कलर्स पसंद भी बहुत हैं, तो जब मैं सिलवाऊंगी पहनूंगी तब आपको और दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, दावत काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी बातें की क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिली थी। तो व्यूअर्स, ये सारे क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अभी फिर से फ्रेशन अप हुई हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आगे का क्लिप शेयर कर सकूँ, वीडियो को एंड कर सकूँ। तो हमेशा की तरह सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, खाना भी सबको बहुत पसंद आया और काफ़ी दिन बाद मिली थी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपनी सिस्टर को देखकर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।